केन्द्र सरकार द्वारा बजेट रजू करवानी तैयारी करी रही है। त्यारे बजेट नी माफक आ वर्ष पण औद्योगिक नगरी ना उद्योगपतिओ बजेट तरफ मीट मांडीने बैठा है। बजेट रजू थवानुं छे त्यारे कोरोनामां पड़ी भांगेल घड़ियाल उद्योग ने राहत मळे तेवी आशा सेवाई रही है। घड़ियाल उद्योग महिलाओं ने रोजगारी आपतो उद्योग है, जे उद्योग ने आ वेराए बजेट में राहत मळशे तेवी आशा अपेक्षाओ जोवा मळी रही है। कोरोना महामारी अनेक उद्योगों ने असर करी है, जेमा मोरबीनो घड़ियाल उद्योग पर बाकात नहीं। समग्र विश्व में मोरबी ने ओरख अपना घड़ियाल उद्योग में हाल कोरोना महामारी बेहाल करी नाख्या है। कोरोना महामारी ने पगले लग्न समारोह में मर्यादित संख्या में योजाता हो, जेथी सीधी असर घड़ियाल उद्योग ने पड़ी है। वरी आजना समय में मोबाइल में घड़ियाल होवाथी युवानो घड़ियाल वेरता होता नहीं। लग्न समारोह में मर्यादा ने पगले घड़ियाल उद्योग जे मुख्यत्वे गिफ्ट आर्टिकल पर नभे छे तेने मोटो फटको पहोंच्यो होवानुं एसोसिएशनना प्रमुख जणावी रह्या छे। लग्न बाद योजना रिसेप्शन बंद रहेता गिफ्टनी खरीदी घटी जता उद्योगने सीधो फटको पड्यो छे। सरकार बजेट रजू करवानी छे त्यारे घड़ियाल उद्योगने आशा छे कि जीएसटीना दरो जे हाल 18% छे तेने बदले घड़ियाल उद्योगने 12% जीएसटी स्लेबमां समावामां आवे तेवी उद्योगकारो अपेक्षा राखी रह्या छे। तो वधुमां એસોસિએશનના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગ 85% મહિલાઓને રોજગાર આપતો ઉદ્યોગ છે। એટલું જ નહીં, ઓછા મૂડીરોકાણમાં ઉદ્યોગ શરૂ થાય છે, જેથી નાના ઉદ્યોગકારો મોટી સંખ્યામાં ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા છે અને જેથી 12% જીએસટી સ્લેબમાં ઉદ્યોગોને સમાવવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે। વળી એનાથી સરકારને રેવન્યુ આવકમાં કોઈ ફરક નહીં પડે અને ટર્નઓવર વધશે, જેથી સરકારની રેવન્યુમાં વધારો થશે તેમ પણ એસોસિએશનના પ્રમુખ શશાંકભાઈ દંગીએ જણાવ્યું હતું। આમ મોરબી ઉદ્યોગ હાલ મુશ્કેલીની સ્થિતિમાં જોવા મળે છે અને 2 વર્ષથી કોરોના મહામારીએ ઉદ્યોગની કમર ભાંગી નાખી છે, જેથી સરકાર બજેટમાં અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરે તેવી સૌ ઉદ્યોગકારો અને ખાસ કરીને ઘડિયાળ ઉદ્યોગ મીટ માંડીને બેઠો છે। हमारी अपेक्षा एक ही है कि हमारा जो उद्योग है वो गिफ्ट आर्टिकल का और क्लॉक का है और ट्रेडेड में ज्यादा लेन देन में हमारी आइटम चलती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत अभी कोविड की वजह से ये है पिछले 2-3 साल से कि जो मैरिज की जो गाइडलाइन होती है खास करके नाइट कर्फ्यू की, तो उसकी वजह से क्या होता है मैरिज का रिसेप्शन वगैरह में दिक्कत आती है और उसकी वजह से 60-70% 80% तक हमारा सेल गिर जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर 85% महिला वर्कर्स जुड़ी हुई है और एकदम छोटे इन्वेस्टमेंट से हमारा उद्योग चालू हो सकता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखकर सरकार को हमारी यही अपील है कि अगर 18% की जगह पे 12% में अगर हमको लेते हैं तो महिला रोजगार के लिए भी अच्छी बात है और छोटे उद्योगकारों के लिए भी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये करने से सरकार के रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन हम जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें थोड़ी राहत मिलेगी तो टर्नओवर हमारा और बढ़ेगा। सबसे महत्वनी हमारी कायमीनी अपेक्षा एक है कि लगभग 5-7 वर्ष थी चाइना की सामे जो हमें स्ट्रगल करी थी एनी अंदर कोविड ना हिसाबे छेला 3 वर्ष से सौथी ज्यादा इफेक्ट अमरा उद्योग ने थी है। कारण के कोविड ना नियम मुजब रात्रे 8 वाग्या थी सवारना 6 वाग्या सुधीनो आखा भारत में जे काई कर्फ्यूनी सिस्टम छे नाइट कर्फ्यूनी एना हिसाबे मेरेज नी अंदर मोटी ब्रेक आवे छे, रिसेप्शन में तो सौथी मोटी ब्रेक आवे छे। अमारो उद्योग छे एकदम नाना लेवल नो अने गिफ्ट आर्टिकल नो बिजनेस छे एटले एने ऊपर भरपूर अत्यारे मार पड़े छे। गुजरात नी अंदर सौथी ज्यादा महिलाओने रोजगार आपतो उद्योग अमारो छे, 85% अमारामां महिला कर्मचारीओ छे। ई बधी वस्तुने ध्यानमां राखता अने एकदम ओछा मूडी रोकाणथी शरू थतो आ धंधो छे। तो सरकारश्रीने अमारी એ જ વિનંતી છે, ખાસ કરીને અત્યારે કેન્દ્રમાં અને રાજ્યમાં બંનેમાં એક જ સરકાર હોય તો અમારી એકમાત્ર અપેક્ષા એ છે કે 18%ની બદલે જો 12% જીએસટીમાં અમને લઈએ તો મહિલા રોજગારને અને નાના ઉદ્યોગકારો માટે બહુ એક આશીર્વાદરૂપ આ વસ્તુ સાબિત થાય એમ છે। અને મને વિશ્વાસ છે કે 18%ની બદલે 12%માં લીધા પછી પણ સરકારની રેવન્યુમાં કોઈ ઘટાડો નહીં આવે, અમારું આખું ટર્નઓવર છે એના કરતાં વધી જશે। તો અમારી ફક્ત એકમાત્ર આ જ અપેક્ષા। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।